हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में, और मैं अदिति रस्तोगी आज लेकर आई हूं आपके लिए एक और अमेजिंग चैप्टर जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम यहां पर पहले तो कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका एग्जाम है, मैंने अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगी ज़रूरी। देखिए, अगर आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में जो हमने चैप्टर्स किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि हमने जितने भी चैप्टर्स थे आपके पीजीटी वाले चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो कि पीजीटी में आने हैं, मतलब एनसीईआरटी सिलेबस के जितने भी पीजीटी वाले चैप्टर्स हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे कवर करा दिए हैं। एक एक स्टोरी मैच कर लीजिए और जाकर मैच कर लीजिए आप प्लेलिस्ट टीजीटी पीजीटी रिजल्ट ग्रुप पे, कि जितने भी पीजीटी की जो एनसीईआरटी वाली स्टोरीज है, चाहे वो कोई सी भी स्टोरीज क्या ना हो, कोई सी भी पोएम्स क्यों ना हो, वो मैंने एको एक आपको क्लास में कवर कराई है, और एको एक कवर कराई है, वो भी लाइव कवर कराई है, वो भी सारे क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, ऑथर्स के साथ, पूरी कंप्लीट स्टोरी के साथ और बहुत सारी इमेजेस के साथ जो आपको स्टोरी को याद रखने में हेल्प आउट करेंगी। विद ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करा दी है। और आपका एग्जाम कब है? 23 को, मतलब आप बोले तो पूरी की पूरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। साथ साथ मैंने मैराथन्स भी ली हैं, और उन मैराथन्स में मैंने आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन को भी रखा था, ठीक है, जो ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं उनको भी रखा था। अब आज सैटरडे है, तो आज हम लास्ट स्टोरी, आज क्या है, सैटरडे है, और आज लास्ट स्टोरी जो है इसकी हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर बारी आ जाएगी मंडे की, मंडे बोले तो परसों, और परसों से हम लोग रिवीजन करेंगे जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक, सारी स्टोरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा सारे के सारे क्वेश्चन का जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मंडे से आपको रिवीजन मिलने वाला है। और आज की क्लास में हम जो ये बची हुई स्टोरी है, कौन सी स्टोरी है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में हमें कवर क्या करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो स्टोरी आती हैं, मतलब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एक चैप्टर है जिसके अंडर में टू स्टोरीज हैं, कौन कौन सी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और दूसरी स्टोरी है आपकी, दूसरी स्टोरी है आपकी वी टू आर ह्यूमन बींग्स। बहुत इमोशनल स्टोरीज हैं, सुनेंगे तो आपको बड़ा बुरा सा भी लगेगा, गूज़बम्स भी हो सकते हैं, मतलब बड़ा आपको बुरा लगेगा कि यार ऐसा भी किसी के साथ ट्रीट किया जाता था क्या। आज का टाइम आप देखते हैं बहुत मॉडर्न टाइम है, बट आज भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं। वो बात अलग है कि हर फेस हमको नहीं दिखता, लेकिन होता है। तो अनटचेबिलिटी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, अनटचेबिलिटी इंडिया में एक बहुत ही बुरी प्रथा रही है, इंडिया में क्या कहीं भी, चाहे आप अफ्रीका की बात कर लो, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, तो ये जो अनटचेबिलिटी है, मतलब भगवान और अपने आप को ही भगवान मान लेना, इन दोनों में फर्क होता है। तो वो ही उसी के जो क्रूरता है, जो ये बड़ी कुप्रथा आप इसे बोल सकते हैं जो इंडिया में हमने देखी, तो उसी के बेस्ड, उसी पे बेस्ड दो ऐसे इवेंट्स हैं, दो ऐसे ओकेजन्स हैं, ओकेजन नहीं कहूँगी बल्कि इसे दो, एक तरह से किसी भी इंसान पर बीती एक सच्ची घटना है जो इस स्टोरी में फ्रेम की गई। उन्होंने, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने खुद अपनी स्टोरी को इसमें कवर किया, मतलब एक तरह से ये उनकी स्टोरी में से निकाला हुआ, आप कह सकते हैं एक छोटा सा कैमियो, या आप कह सकते हैं ये एक मेमोयर है जो उन पे बीता। तो ये उस स्टोरी में आज हम उन दो मेमोयर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में, थोड़ा बहुत नहीं, मैं सिर्फ समरी नहीं बताऊंगी यहाँ पर, पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी दोनों ने ही क्या अपनी आपबीती लिखी है। तो ये पूरी अनटचेबिलिटी का जो स्टोरी है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि पीजीटी की आपको करनी है तैयारी, तो अब है रिजल्ट गुरु की बारी। जी हाँ, क्योंकि रिजल्ट गुरु पे ही आपको सारे वो चैप्टर्स मिलने वाले हैं। आई प्रोमिस कि आप पीजीटी का कोई भी चैप्टर देख लीजिए उठाकर, एक एक चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में आना है, वो सारी स्टोरीज मैंने यहाँ पर कवर कराई है, वो भी विद एमसीक्यूज। रही बात नोटिस राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग,
ये भी मैंने कवर कराया है। हेलो रिजवी जी, कैसे हैं आप? क्या बात है, थैंक्स अलॉट रिजवी जी। यस, तो रिजवी जी ने भी कहा कि उन्होंने भी चैप्टर्स को देखा है और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी वो सारे तमाम चैप्टर्स देखे हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर कराए हैं। तो भैया पीजीटी में अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट गुरु पे उस प्लेलिस्ट पे जाना है जहाँ पर मेरे सारे के सारे पीजीटी की स्टोरीज पड़ी हैं। और भैया संडे है कल, तो आराम से सारी स्टोरीज को एक बार में सुन लीजिएगा, वो सुनने वाली ही तो है, यूट्यूब पे आप सुनते ही तो है कहानी, तो सिर्फ आपको कहानी सुनती जानी है और आपको अपने माइंड पे उनको रखते जाना है ताकि एग्जाम में उनमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएं। एक और बात मेरे प्यारे दोस्तों, टीजीटी का भी एग्जाम जब हुआ था तो टीजीटी में भी वही स्टोरीज में से आपने देखा कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अभी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होकर चुका है, उसमें भी मुझे पता चला कि बहुत ही इजी और सिंपल एग्जाम था। तो दोस्तों पीजीटी इंग्लिश में भी सिंपल ही आने वाला है, लेकिन सिंपल आना अपने आप में एक बड़ा खतरा हो जाता है कि मेरिट हाई जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना 100% दो और वहां पर 100% आंसर अपने करेक्ट करके आओ, क्योंकि अगर मेरिट हाई जाती है तो आपकी जो एक्यूरेसी है वहां पर वो आपको हेल्प आउट कर देती है एग्जाम क्रैक करने में। तो अभी तो बहुत कुछ आपको देखना है आगे और एग्जाम को क्रैक करना है, तो जल्दी से जाइए, सारी प्लेलिस्ट ऑन कीजिए और कल संडे का दिन अपना समर्पित कीजिए रिजल्ट गुरु के उस प्लेलिस्ट पर जो आपको पीजीटी के एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ इट। चलिए तो आज की स्टोरीज की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और हम एक एक करके दोनों स्टोरीज को यहाँ पर कवर करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। चलिए तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल। तो सबसे पहली स्टोरी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। अच्छा बिफोर दैट, हेलो रश्मि जी कैसे हैं आप? यस लेट्स स्टार्ट रिजवी जी, बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा बिफोर स्टार्टिंग, यस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन्होंने जो अगर कोई भी आपका पड़ोसी भाई बहन भाई बंधु कोई भी अगर एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो उन्हें जाकर बता दीजिए कि भैया ये क्लास इतने बजे चल रही है। और आपको भी अगर ग्रामर पढ़नी होती है ना तो आप सुबह 9 बजे आकर मुझसे मिलो और 9 बजे मैं वहाँ पर ग्रामर ही कराती हूँ। आप देखिएगा आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर आपकी ग्रामर काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। एमटीएस और ये आरपीएफ कांस्टेबल टीम, ये सारी चीज़ें, रेलवे एएलपी आरपीएफ, ये सब सब कुछ वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। आ जाते हैं ऐप पर, जिन्होंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करा वो जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये वाले 300 क्वेश्चन गजट में से जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपके किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने में। चलिए तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी नाउ। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसमें आती हैं, इसके अंडर में 2 स्टोरीज कवर होती हैं जिनमें सबसे पहली स्टोरी है हमारी, एक मिनट यहाँ स्टोरी चली गई है शायद थोड़ी सी नीचे, ओके कोई बात नहीं। तो स्टोरीज यहाँ पर है, पहले उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए, कोई नहीं वो बाद में देख लेंगे। तो हम पहले सबसे पहले आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। तो स्टोरी क्या है, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, तो वो हमको पढ़नी है। अब इस स्टोरी में क्या है और ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। देखो ये स्टोरी लिखी गई है आपकी गर्ट्रूड साइमंस बोनिन, जिनका पैन नेम बोले तो मतलब जो ऑथर एज एन ऑथर जिनका नेम है वो है जिटकला, ठीक है। वो नेम क्या है, जिटकला, इसे पूरा मैं यहां पर लिख देती हूँ गर्ट्रूड साइमन बोनिन, और इनका जो पेन नेम है मतलब ऑथर एज एन ऑथर नेम है वो क्या है, जिटकलासा, मतलब आप इन्हें जिटकलासा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने ये स्टोरी को लिखा है ना, और ये एक राइटर थी और एडिटर थी, म्यूजिशियन थी, टीचर थी, पॉलिटिशियन थी, तो इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एक्चुअली। तो इन्होंने अपने ऊपर जो आबीती है
उसको इन्होंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं। तो एक मेमोयर है उनका जो उन्होंने लिखा है, और वो क्या है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मतलब बचपन में इनके साथ कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब स्टोरी क्या है, वो पूरी स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट डे इन लैंड ऑफ एप्पल्स, है ना, लैंड ऑफ एप्पल्स। जब आपको याद होगा ये आज़ादी से भी पहले की कहानी है। वहाँ पर उस वक्त क्या था कि अमेरिकन नेटिव्स, मतलब इंडियन बॉर्न, और जो अमेरिकन जो होते थे जो वो इंडिया में बॉर्न हुए, उनकी ये कहानी है, ठीक है। और ये कब की कहानी है बच्चों, फरवरी 1876 की, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था 1876 में, उसके बाद की ये कहानी है, मतलब आज़ादी से पहले की कहानी है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन, यस यस यस, तो तभी की ये कहानी है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। अ लार्ज बेल rang for the breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead into the sensitive ears. देखो, एक स्कूल का यहाँ पर एक नज़ारा आपको दिखाया गया है कि स्कूल है, और उसमें ये सारे, मतलब ये स्कूल नहीं, एक हॉस्टल है बेसिकली। तो यहाँ पर जो अमेरिकन नेटिव है, मतलब जो इंडिया में जन्मी है ये, तो ये वहाँ पर स्कूल में, हॉस्टल में चली जाती हैं, ठीक है, मतलब वो अमेरिका जो इंडियन में बॉर्न हुई है। आपको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनी था पहले इंडिया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी बनाई गई है। अब ये जाती हैं हॉस्टल में, इनका एडमिशन होता है, ये जाती हैं, और जो फर्स्ट डे, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कलर दिखने वाले, तो अमेरिका में भी अनटचेबिलिटी थी कि कुछ लोग जो किसी तरह के दिखते थे, कुछ लोग जो किसी तरह के दिखते थे, तो उसी की वजह से ये स्टोरी फ्रेम होती है। अब क्या होता है कि ये लोग जाते हैं वहाँ पर स्कूल में, ठीक है, सो अपने हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में इनका एडमिशन हुआ था। खैर, अब ये वहाँ जाती हैं, और जब वहाँ रहने लगती हैं तो इन्हें वहाँ के, मतलब जो एडवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। पहले तो ये जाती हैं, और जाते ही सबसे पहले वहाँ पर एक सब जने, मतलब अपने अपने रूम से निकलते हैं, तो ये भी उनके साथ निकल जाती हैं कि भाई क्या हो रहा है पता नहीं, कि निकलती हैं। जब वहाँ पर शूज़ की आवाज़ है, वो इनको बहुत ज़्यादा, मतलब इनके इनसेंसिटिव ईयर में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और एक और बात जो इन्होंने कहा कि लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब जो वहाँ पर जो ग्राउंड है वो तो पूरा किससे कवर्ड है, स्नो से, और वहाँ पर एप्पल के ऑर्चार्ड हैं, तो मतलब वहाँ पर जो पेड़ के बगीचे से हैं, पेड़ के सॉरी जो एप्पल हैं उनके बगीचे से हैं, या एप्पल के पेड़ हैं बहुत सारे, और जो लैंड है वो बिल्कुल स्नो से कवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। अब शूज़ पहने हुए हैं सबने, तो सबके शूज़ बड़े स्टिफ से हैं, मतलब उससे काफ़ी आवाज़ें हो रही हैं, जबकि इन्होंने जो शूज़ पहने हुए हैं बहुत सॉफ्ट है, और उससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही है। खैर, सब चलते चले जा रहे हैं, तो ये भी उनके पीछे चल देती हैं कि भैया क्या हो रहा है मैं भी देखूँ, ये भी साथ साथ पीछे पीछे चल देती हैं। जैसे जैसे ये चलती रहती हैं, तो बाकी सबके जो शूज़ की वॉइस है वो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो बड़ी इनके इनसेंसिटिव ईयर है, और वो बड़ी बेकार लग रही है वो आवाज़। लेकिन चलते चलते ये अचानक The annoying clatter of shoes, और हाँ, एक बेल भी वहाँ पर रिंग होती है, बेल के रिंग होते ये लोग निकलते हैं, मतलब जो भी कोई अगर कोई एक्टिविटी करता था तो वो उस बेल के रिंग होने से ही होती थी, तो बेल का बेल जैसे रिंग होती है तो सब जने अपने रूम से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। द annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace, मतलब जो annoying, मतलब ऐसी गुस्सा दिलाने वाली, जैसे इरीटेट कर देने वाली जो वो वॉइस थी, उन शूज़ की क्लैटर, आपको ने भी देखा होगा अगर जूते से, मतलब कोई चल रहा है और जो जूते ठप 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 बोलते हैं, वो आपको बड़े बुरे लगते हैं, वो आवाज़ बड़ी बुरी लगती है, तो वो सबको क्या है, उनको उनकी जो पीस है उसको, शांति को भंग करती थी, छीन रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, अब बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या आपस में बात कर रहे हैं, कोई बड़बड़ा रहा है, कोई भी कुछ भी आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सारी वॉइस उनको बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही थी, मतलब उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। मेड अ बैड लैम्प विद विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, ये कैसा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा उनको इरीटेट कर रही थी। एंड दो माई स्प्लिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन क्योंकि उनकी जो आज़ादी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनसे उनकी आज़ादी छिनती जा रही है, मतलब उन्हें वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं कर रही थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ वो कर भी नहीं सकती, उसके लिए वो सब यूजलेस था, तो वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, झेलना तो उनको पड़ता ही। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर, एक पेल फेस वुमेन, मतलब एक बड़ी अजीब सी गंदी सी दिखने वाली औरत, या फिर आप कह सकते हैं भद्दी सी, मतलब जिसका बहुत डल फेस हो, है ना, अजीब सी दिखने वाली औरत, मतलब बहुत डल फेस वाला, है ना, ओल्ड फेस हो जाता है, जिसके वाइट हेयर हैं, केम अप आफ्टर अस, वो भी हमारे पीछे पीछे आ गई।
वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग टू द डाइनिंग रूम. अब वो उन्होंने देखा कि वो तो एक डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम में वो लोग जा रहे हैं, तो वो उस उनके पीछे पीछे वो भी आ गई. मतलब अब ये सारे के सारे कहाँ पर जा रहे हैं, डाइनिंग रूम में. तो कहते अच्छा अच्छा ये बात है, मतलब अब हमें खाना खाने को मिलेगा यहाँ पर. तो खैर वो चलते चले जाते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ गर्ल्स, वो गर्ल्स की लाइन में जाती हैं. और दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये जितने भी लड़कियाँ थी वो इंडियन थी. इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस. क्लोजली क्लिंजिंग मतलब बड़ी टाइट टाइट सी ड्रेसेस, है ना. जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो इंडिया में जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वैसे टाइट टाइट नहीं रहती, खुली खुली, मतलब ठीक से ट्यूनिक्स टाइप की रहती हैं. लेकिन अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे करके चिपकी हुई पूरी ड्रेसेस वो लोग पहनते हैं टाइट टाइट वाली. तो इस तरह की ड्रेसेस वो पहने हुए थे. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स. जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्होंने जो है, मतलब जो छोटी लड़कियाँ थी उन्होंने जो था वो एप्रन्स पहना हुआ था जिसमें स्लीव्स होती थी. एंड शिंगल्ड हेयर. शिंगल्ड कहते हैं बहुत छोटे छोटे बालों को, मतलब उनके बाल बहुत छोटे छोटे थे. एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली. वो नॉइजलेसली इसलिए चल रही थी क्योंकि उनके शूज जो थे बड़े सॉफ्ट थे और उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी. बाकी सबके टप टप करने वाले थे, टैप टैप करने वाले. Occasions, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. तो उन्होंने देखा कि उनका जो उन्होंने ना शोल्डर पे एक ब्लैंकेट डाला हुआ था, तो उन्होंने देखा कि वो जो ब्लैंकेट है वो उनके ऊपर से हट गया. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. अब उन्होंने देखा कि जितनी भी लड़कियां हैं वो उन्होंने इस तरह के ड्रेस पहना है, मतलब बड़ी अजीब तरह से उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, और फिर भी इनको अजीब क्यों नहीं लग रहा, जबकि मेरे से ज़्यादा बेकार वो ड्रेसेस पहने हुए फिर भी उनको अजीब नहीं लग रहा है. इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स. मतलब मेरी जो ड्रेस थी वो तो बहुत ज़्यादा ढीली ढाली थी, मुझे तब भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, और उनको बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा जबकि उनकी बड़ी टाइट टाइट ड्रेस है, तब भी उनको अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा. वाइल वी मार्च्ड इन, जैसे ही हम अंदर गए, द बॉयज़ एंटर्ड एट द अपोजिट डोर. तो उन्होंने देखा कि अपोजिट साइड से वहाँ पर बॉयज़ भी आ गए. आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम इन आर पार्टी. आई स्पाइड दैम इन रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट. तो उन्होंने देखा कि वो जो तीन लड़के उनमें से ऐसे थे जो मेरी तरह अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जैसे कि मुझे लग रहा था. अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड. अब एक छोटी सी घंटी बजती है, ठीक है, एक बेल रिंग होती है. और अब एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम द अंडर टेबल. अब देखो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे डाइनिंग टेबल है तो अंडर मतलब चेयर इससे बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई रखी रहती है ना, इसके अंदर को होती है. तो सब ने उसको ऐसे चेयर को बाहर निकाला, अपनी अपनी चेयर को कहाँ निकाला, बाहर निकाला. डाइनिंग टेबल के अंदर होती है तो उससे बाहर निकाला, ठीक है, उसको बाहर खींचा. अब सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट देवर टू बी सीटेड. मतलब ये दिखाना, ये इस तरह का एक्ट होता है भाई, चेयर निकालते हैं तो आप उस पर बैठते हैं, तो ये इस तरह का एक्ट था कि मान लो जैसे वो बैठने वाले हैं उस पर. आई पुल्ड आउट माइन एंड वंस स्लिप्ड इनटू इट. और उन्होंने कहा जैसी मैंने अपनी भी निकाली और मैं सीधे उस पर जाकर बैठ गई. लेकिन क्या देखती हैं, बट व्हेन आई टर्न्ड माय हेड आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड. मतलब सिर्फ मैं ही थी जो बैठी हुई थी, बाकी सब जने खड़े हुए थे. तो ये बड़ा अजीब उनके लिए था और बड़ा आप कह सकते हैं एम्बेरसिंग था, क्योंकि जब हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो बाकी कोई नहीं करता तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कभी कभी एम्बेरसिंग होता है, ह्यूमिलेटिंग हो जाता है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमको ही सब जने नोटिस कर रहे होते हैं. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग जस्ट एज आई बिगिन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड. अब उन्होंने बड़े ऐसे जैसे एक होता ना, एक आप समझ सकते हो उनकी मनोदशा कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करते हुए शाही सा, जैसे उन्हें शर्म सी आ रही हो, और इस तरह से वो देखते हुए सब में घबरा कर देख रही थी कि किस किस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे हैं, तो मैं भी वैसा ही एक्ट करूं, मतलब वैसे ही चेयर के साथ मैं भी डील करूं. जस्ट आई बिगैन ओके और वो खड़ी हो गई. अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड. अब एकदम सेकेंड बेल बजती है. ऑल वर सीटेड एट लास्ट. अब सारे के सारे बैठ जाते हैं, लेकिन इनको अजीब लगता है कि मैं कैसे बैठूं कैसे नहीं बैठूं. यस बिल्कुल, लिटरेचर भी, लिटरेचर में से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, देखो टीजीटी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी के थे. पीजीटी में भी यही उम्मीद है कि आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. हाँ, थोड़े बहुत पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आप जानिए. मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उसमें हर एक चैप्टर में जहाँ जहाँ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ होना है मैंने भरपूर कराया है. तो आप सारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं. एक चैप्टर आई गारंटी यू कि पीजीटी का मैंने कवर कराया हुआ है. आप बस जाकर टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में अदिति मैम का पूरा प्लेलिस्ट देखिए. आपको सारे चैप्टर्स कराएं जैसे मैंने कराए वैसे ही क्वेश्चंस आने भी वाले हैं.
नाउ सी हाउ चेयर्स, और उन्होंने वैसे ही उसमें सब जने बैठ गए. एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगैन. और वो फिर भी बड़े आराम से चुपचाप होकर वो फिर से अपनी चेयर में बैठ गई, है ना. तो उन्हें सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील हुआ, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ. आई हर्ड अ मैंस वॉइस एट वंस एंड एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम बट ऑल द अदर्स हंग देयर हैड्स ओवर देयर प्लेट्स. अब किसी इंसान ने आवाज़ लगाई, कुछ बोला होगा, तो इन्होंने क्या करा, ये तो जो है एकदम उसकी तरफ ढूंढने लगी कि कौन है जो बोल रहा है, और बाकी सारे अपने सिर्फ और सिर्फ खाने में ध्यान देने लगे. बट ऑल द अदर्स हंग देयर हैड्स ओवर देयर प्लेट्स, मतलब उन्होंने अपने सिर्फ ऐसे करके सिर नीचे, वो सिर्फ अपनी प्लेट्स की तरफ ही देख रहे थे. एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ द पेल फेस वुमेन अपॉन मी. तो इन्होंने देखा कि एक जो बूढ़ी, जो पेल फेस वुमेन है, वो इनकी तरफ इनको घूर रही है. इमिडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमेन. और एकदम उनको ऐसा लगा, उन्होंने एकदम आईज नीचे कर ली और उनको ऐसा फील हुआ कि ये वुमेन मुझे ही क्यों देख जा रही है, वुमेन, ये लेडी मुझे ही क्यों देख रही है. द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वो स्टैब्ड. और जो वो इंसान था उसने बोलना बंद करा और क्या हुआ, थर्ड बेल एकदम बच गई. अब जैसे ही थर्ड बेल बची तो सब ने क्या करा, खाना शुरू कर दिया, अपने नाइफ और वो स्पून उठाए और सब ने खाना खाना शुरू कर दिया. मैं जल्दी जल्दी आपको ये सुनाऊंगी ताकि ये स्टोरी कवर हो जाए. बिगैन क्राइंग इंस्टेड. और उन्होंने क्या करा, इन्होंने खाना नहीं शुरू करा बल्कि इनको बड़ा बुरा लगा और ये रोने लगी. I was afraid to venture anything more, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा नया नहीं करना चाहती थी कि कहीं कोई गड़बड़ इनसे ना हो जाए. But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. अब क्या हुआ, ये हादसा इतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं था जितना इसके बाद होने वाला था. जो उनकी एक फ्रेंड है जुडविन, वो भी उनकी फ्रेंड है, वो कुछ टाइम पहले ही इस स्कूल में आई है. अब उसने इनको एक वार्निंग दी, मतलब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दी जिससे ये डर गई. क्या इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा कि मैंने ना कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है, वो जो वुमेन है उसको कुछ कहते हुए सुना है तेरे बारे में. तो उन्होंने कहा क्या सुना है, अब वो क्या सुना है, वो खतरनाक हादसा क्या हुआ वो हम बताते हैं. जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन को कुछ इंग्लिश के शब्द आते थे. एंड हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर. उसने सुना था कि जो उसने कहा, जुडविन ने बताया कि जो तेरे लंबे लंबे बाल हैं ना, ये काट दिए जाएंगे, जल्दी ही काट दिए जाएंगे, ऐसा लोग बातें कर रहे थे. अब ये एकदम घबरा जाती हैं क्योंकि इनको अपने लंबे बालों से बहुत प्यार है. ऑल्सो आप जानते हैं कि इंडियन कल्चर में जनरली हम लोग मतलब हिंदुस्तानी होकर, या कैसे भी आप कह लीजिए कि जो हिंदुस्तानी हैं या हमारे जो बेसिकली हिंदू हैं, तो वो लोग कभी भी अपने बाल कटवाते नहीं हैं या बाल कटवाना पसंद नहीं करते हैं. इनफैक्ट कुछ धर्मों में तो ऐसा है कि लोग बिल्कुल भी अपने बाल नहीं कटवाते हैं. बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी थोड़े बहुत ट्रिम करा लिए, अदरवाइज नहीं कटवाते हैं. और पहले तो लोग नहीं कटवाते थे. उसका रीज़न क्या होता है कि वो मानते हैं कि मतलब बालों से उनकी संस्कृति जुड़ी हुई है. और आपने अगर कभी देखा हो तो, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ इंडिया में ही, तो कभी कोई सपोज़ कीजिए कोई विडो होती थी, या फिर कोई किसी के घर में कोई मर जाता था, या कोई भी अलग रीज़न जो एक नेगेटिव रीज़न होता था, उसकी वजह से बाल कटवाए जाते थे. अदरवाइज़ कोई भी लड़की अपने बाल नहीं कटवाती थी. और यहाँ भी सेम वही पैटर्न है कि अब वो कह रही है कि नहीं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, तो मेरी संस्कृति है और मैं अपनी संस्कृति के आगे मतलब किसी को हावी नहीं होने दूंगी, तो मैं तो बाल नहीं कटवाऊंगी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, मैं तो बाल नहीं कटवाऊंगी, हमारे संस्कृति के खिलाफ है, वगैरह वगैरह. हैवी हेयर आर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स. अब वो क्या कहती है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, हु वर कैप्चर्ड, जो कि पकड़ लिए जाते हैं, हैड देयर हेयर शिल्डिंग, उनके ही हेयर, उनके ही बाल सिर्फ काटे जाते हैं, छोटे छोटे कर दिए जाते हैं. बाय द एनिमी, किसके द्वारा, एनिमी के द्वारा. अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वोन बाय मोनर्स, या तो जो ग्रीव करते थे, जो रोते थे, जिनके घर में डेथ हो जाती थी, या शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, या फिर जो कावर्ड्स होते थे, मतलब जो कायर होते थे, सिर्फ उसी व्यक्ति के बाल काटे जाते हैं और किसी के नहीं, तो मैं अपने बाल क्यों कटवाऊँ. वी डिस्कस्ड आर फेट सम मोमेंट्स, हमने अपनी बातें आपस में कुछ देर करी. एंड वेन जेडविन सेड वी हैव टू सबमिट, हमको उनके आगे झुकना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतने ताकतवर नहीं है कि उनसे लड़ जाएंगे, हमें जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा. स्ट्रगल कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कर देंगे, हमको उनके आगे झुकना होगा. बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है. आई रिबेल्ड, जबकि मैंने क्या करा, रिबेल्ड की नहीं, मैं तो जो है उनसे लड़ूंगी, मैं तो नहीं कटने दूंगी अपने बाल. वेल, इन्होंने हिम्मत दिखाई,
नो आई विल नॉट सबमिट. और इन्होंने क्या कहा कि मैं बिल्कुल भी सबमिट, मतलब मैं अपने आप को सरेंडर करने वाली नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं तो लड़के रहूँगी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊँगी, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट. तो उन्होंने कहा कि लेकिन देखो अब यहाँ पर आई विल स्ट्रगल फर्स्ट इस लाइन में भी एक इमोशन है. वो ये तो अच्छी तरह से जानती है कि इतने सारे लोगों के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती, है ना. अब लेकिन वो अपनी हार तो नहीं मानना चाहती. कहते ना जब तक इंसान ना हार जाए उसे लड़ना ज़रूरी है. तो उसने क्या उन्होंने क्या कहा कि मैं पहले तो स्ट्रगल दिखाऊंगी, पहले बाद में जो हो देखा जाएगा. मैं जानती हूँ कि शायद मैं उनके आगे नहीं अपने आप को ताकतवर साबित कर सकती, लेकिन एटलीस्ट लड़ तो सकती हूँ, उस बात के लिए स्ट्रगल तो कर सकती हूँ. आई आंसर्ड, आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड. और वो उन्होंने जैसे ही जगह देखी, जैसे ही चांस देखी, वो वहाँ से भाग निकली, गायब हो गई. आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स. अब देखो क्या हुआ, रात को जब सब जने सो गए तो ये इन्होंने क्या करा, ये चुपके से उठी और ये क्रैप्ड अप मतलब क्लाइंब स्टेयर्स पे ऊपर गई चढ़ के. और इन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा शांति के साथ, और स्क्रीकिंग शूज़ माई मुकेशंस हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़. क्योंकि इनके जो मुकेशंस मतलब वो जो सॉफ्ट वाले शूज़ थे उनको बदल दिया गया था, इन्हें भी वही शूज़ दे दिए गए थे जो बजते हैं, टैप टैप की आवाज़ करते हैं. तो अब इन्होंने वो ले लिया था. नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अच्छा, डी ट्रिपल एस बी में वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आपको एक बार देखो, मैंने वैसे इसके ऊपर एक इवेंट बनाया हुआ है, लेकिन इसकी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है तो उसमें ये आपको पता लग जाएगा. वैसे अभी तक तो नहीं थी, लेकिन लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अगर कुछ अपडेट्स होते हैं तो वो आपको पता लग जाएंगे. वैसे जहाँ तक है नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ. अलॉन्ग द हॉल पास्ट आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग. इन्हें ये नहीं पता था ये कहाँ जा रही हैं, बस ये चलती जा रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि कहीं मैं एक ऐसी जगह पर चली जाऊँ जो मेरे लिए सेफ़ हो. टर्निंग असाइड एन ओपन डोर. अब ये क्या हुआ, वहाँ पर एक ओपन डोर इनको दिखाई दी तो इन्होंने क्या करा, वहीं का रुख मोड़ लिया और ये वहाँ उसी साइड में चली गई. ठीक है, इन्होंने देखा एक डोर है वो ओपन है तो ये उसी साइड चली गई. आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट. और इन्होंने एक रूम देखा जिसमें कि 3 वाइट बेड्स पड़े हुए थे, पलंग बिछे हुए थे. फिर इन्होंने क्या किया, द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स. और जो विंडो थी उसकी वो डार्क ग्रीन कर्टेन से ढकी हुई थी, मतलब उस पर डार्क ग्रीन कलर के कर्टेन्स थे. विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से वो रूम बहुत ज़्यादा डिम मतलब डार्क दिखाई दे रहा था, मतलब इसमें ज़्यादातर अंधेरा ही था. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर. तो इन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है. आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर फार्देस्ट फ्रॉम द डोर. तो इन्होंने क्या करा, जो सबसे ज़्यादा दूरी पे उस कॉर्नर से एक वो बेड था, ये उसके नीचे जाकर छिप गई. On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. Huddled मतलब छिपा लिया, इन्होंने hid कर लिया अपने आप को, hidden मतलब छिपा लिया किसके पीछे, उस बेड के नीचे इन्होंने उस अपने आप को छिपा लिया. From my hiding place, I peered out. और उससे वो बाहर लगातार देखती रही, shuddering with fear whenever I heard footsteps near my by. और जैसे इनकी तरफ को इन्हें जैसे footsteps की आवाज़ आती थी, कदमों की आवाज़ आती थी, तो एकदम घबरा जाती थी, ट्रम्बल हो जाती थी, शिवर करने लगती थी, क्योंकि इनको डर तो था ही और एकदम ही डर जाती थी कि शायद अब कोई मुझे कहीं ना निकाल ले, तो ये एकदम डर जाती थी, घबरा जाती थी. Now, though in the hall loud voices were calling my name. अब क्या हुआ कि सारे के सारे लोग इन्हें अगले दिन ढूंढने लगे, सब तेज आवाज देने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, इनके नाम को पुकारने लगे. एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी. जबकि जो उनकी फ्रेंड थी जुडविन, वो भी उनको आवाज़ें लगा रही थी, उनको ढूंढ रही थी. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर. तब भी इन्होंने अपने कोई भी एक जवाब भी नहीं दिया और सीधे ये उसके पीछे ही छिपी रही. Then the steps were quickened and the voices became excited. और इसलिए अब जो इनकी स्टेप्स थी, अब वो बहुत ज़्यादा voices और ज़्यादा तेज तेज आने लगी. जैसे होता है ना, कोई नहीं मिल रहा होता तो और ज़्यादा लोग तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, तो वही हुआ, और ज़्यादा तेज तेज लोग चिल्लाने लगे और इनकी तरफ आने लगे, क्योंकि वो साउंड्स क्या थी, मतलब जितने लोग जो उसके उस रूम के पास आते जा रहे थे, तो और ज़्यादा तेज आवाज़ इनको आने लगी थी. Women and girls entered the room. अब कुछ लड़कियाँ और कुछ औरतें उनके रूम में एंटर हो जाती हैं. I held my breath and watched them open closest doors. अब देखो open closest, अगर देखें तो ये एक आपका oxymoron हो जाता है, ठीक है. Doors and peeped behind large trunks. अब वो क्या हुआ, सब जगह इधर से उधर सब जगह देखने लगी कि जितने भी डोर खुली हुई थी बंद थी, सब जगह झांकने लगी कि कहाँ चली गई लड़की. Now, someone threw up the curtains. किसी ने वो curtains को हटा दिया.
द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और इसलिए जो रूम था उसमें क्या हुआ, उजाला आ गया, जैसे कर्टन हटे तो उसमें उजाला हो गया. वॉट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, और जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या करा, नीचे बेड के नीचे झाँक कर देखा. आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट, तो इनको याद है कि इनको ऐसे खींच कर ले जाया गया. ड्रैग्ड आउट मतलब जैसे खींच के किसी को ले जाते हैं. रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले जाया जाने लगा. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in the chair. और बहुत बुरी तरह से इनको एक चेयर से बांध दिया गया, ठीक है, चेयर में बांध दिया गया. I cried aloud. ये बहुत तेज तेज चीख कर रोने लगी, बहुत ज़्यादा तेज तेज चीख चीख कर रोने लगी. My head all wild until I felt the cold blades of the scissors against my neck. तो इन्होंने क्या हुआ, उस हेड पे से सारे के सारे बाल वहाँ से उतार दिए. And heard the gnaw of one of my thick braids. तो वो जो gnaw of मतलब जैसे एक तरह कच की आवाज़, तो वो जो ब्रेड थी जो इतनी मोटी जो चोटी इन्होंने बना रखी थी उसको निकाल कर अलग कर दिया गया. Then I lost my spirit. और फिर इन्होंने अपनी जो एक होती है कि जैसे एक होता है ना, मतलब अपना करेज पूरा खो दिया और बहुत ज़्यादा ये दुखी हो गई, बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, रोने लगी. Since that day I was taken from my mother. I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. And now my long hair was shingled like a cowboy's. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. इन्होंने कहा कि मैं उस बाल जो उन रूप से ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी बहुत ज़्यादा इस तरह से चिल्लाने लगी, रोने लगी. अब आप मनोदशा आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेचारी दुखी हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इनका बस ही नहीं चल रहा, मतलब ये कुछ कर ही नहीं सकती, जैसे वी आर हेल्पलेस. तो इस तरह की ये मतलब बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी कि उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और अपनी मम्मी को बार बार आवाज़ लगाने लगी, पुकारने लगी. लेकिन वहाँ पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनको कंफर्ट, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको सूद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था. देर वॉज नो वन टू पैसिफाई हर. नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू. क्योंकि जब भी वो दुखी होती थी वो सबसे पहले अपनी मदर के पास जाती थी, उनसे सारी बात शेयर करती थी, और उनकी मदर भी उनके साथ इमोशनल हो जाया करती थी अगर कुछ गलत होता था. लेकिन यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो उनको या तो कम्फर्ट फील कराता या उनके दुख में दुखी होता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था. फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाई अ हर्डर. तो ये उन लोगों उन सारी महिलाओं में से अब एक थी जिनको कि इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता था. तो ये इनको इनकी आपबीती थी जो इनको बड़ी बुरी लगी कि जो नहीं चाहते थे वो आज़ादी इनसे छीन ली गई थी. खैर ये थी इनकी स्टोरी. तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आपको अच्छी लगी स्टोरी, बट कैसी लगी फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कुरीतियाँ हैं किसी भी समाज की ये बड़ी गलत होती हैं. अनटचेबिलिटी कहीं नहीं होनी चाहिए, और इनफैक्ट जो हमारी एक आज़ादी है वो हमसे कभी नहीं छीननी चाहिए. देखिए स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आप जैसे हैं उसके दिखने पर आपके कोई इस तरह से कमांड लगा दे. जैसे देखो ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि अगर स्कूल में कुछ रूल्स हैं कि भाई आपको बाल हमेशा टाई करके रखने हैं या नेल हमेशा ट्रिम करके रखने हैं, वो चीज़ ठीक है, एक स्कूल का प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना है. लेकिन जिसमें जिससे ना तो स्कूल की रेपुटेशन बिगड़े ना आपकी खुद की, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ होती है. लेकिन अगर आप किसी की इस तरह से आज़ादी छीनो कि भाई किसी के बाल लंबे नहीं होने चाहिए किसी कैसे, तो ये चीज़ गलत है. ये सिर्फ अपनी चॉइस होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. अब दूसरी स्टोरी क्या थी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है. अब इस स्टोरी को हम यहाँ पर कवर करेंगे. तो रिजवी जी, सुष्मिता जी और ऋतु जी, रश्मि जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस स्टोरी के बारे में? अब हम दूसरी स्टोरी यहाँ पर सुनेंगे जो कि एक तमिल नॉवलिस्ट हैं बामा, उनकी लिखी हुई है. तो ये जो स्टोरी लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, बामा, और ये एक तमिल नॉवलिस्ट है ना, ये भी एक ऑथर है. और ये भी क्योंकि एक छोटी कास्ट में इनका जन्म हुआ तो इनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया. छोटी बड़ी कास्ट क्या होती है, खैर मैंने तो इस चीज़ को कभी नहीं जाना, लेकिन छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट आज भी हमारे समाज में हम सुनते हैं ये शब्द. तो ये छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट क्या होता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा गलत है. किसी को भी एक इंसान ही तो है, भगवान के द्वारा बनाया गया एक इंसान है. लेकिन पहले और आज भी अगर आप देखें तो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों के हाथ का पानी नहीं पियेंगे, और ऐसा पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था कि भाई अब ये है व्यक्ति तो हम इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, या ये है तो इसके घर नहीं जाएंगे, या इससे बात नहीं करेंगे, इससे हाथ नहीं मिलाएंगे.
इस तरह का जो ये कुरीति चलती थी उसके बारे में इसमें बात की गई है। यस, चलिए तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ कि स्टोरी में क्या है। When I was studying in the third class, अब एक बच्ची छोटी सी कुल थर्ड क्लास में पढ़ने वाली। I hadn't yet heard people speak openly for untouchability. कि लोग untouchability के बारे में openly कभी नहीं बोल पाते थे, मैंने कभी नहीं सुना किसी के मुँह से untouchability. But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन मैंने इस चीज़ से प्रताड़ित भी हुई हूँ, लोगों को प्रताड़ित होते हुए देखा भी है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इसी चीज़ से मैं ह्यूमिलिएट भी हुई, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड भी फील करना पड़ा है, इंसल्टिंग भी फील करना पड़ा है। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, अब ये एक दिन अपने स्कूल से अपने घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक बैग, उन्होंने ओल्ड बैग अपने शोल्डर पर टांगा हुआ था, जैसे इस लड़की ने टांगा हुआ है। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. ये जो उनका घर hardly उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था, मतलब सिर्फ 10 मिनट में ही जाती तो अपने घर पहुंच सकती हैं, लेकिन जब ये क्या करती थी, देखो जब ये स्कूल से घर से स्कूल जाती थी तो ये कुल 10 मिनट में पहुंच जाती थी, लेकिन जब ये स्कूल से घर पे आती थी तो ये पूरा एक घंटा लगा देती थी। क्यों लगा देती थी, उसका एक रीज़न है। Possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. मतलब कम से कम आधा घंटा ये लगाती थी अपने स्कूल से घर जाने में, कम से कम आधा घंटा, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकता था। It would take me from watch all the fun and games that were going on, all the entertaining novelists and oddities द शॉप्स एंड द बाज़ार, क्योंकि वहाँ पर एक बाज़ार लगता था और ये वहाँ पर जितने भी चाहे वो टॉयज़ हैं या बाज़ार में बच्चों के देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टॉयज़ देखना, वहाँ के कपड़े देखना, वहाँ की शानो शौकत देखना, वहाँ के लोगों को देखना, ये इन्हें बड़ा पसंद था। तो ये उस वक्त सारी चीज़ों को देखते देखते निहारते निहारते खेलते हुए मज़े करते हुए ये आती थी, सारी शॉप्स को, पूरे बाज़ार को देखती हुई आती थी, है ना, थर्ड क्लास की बच्ची कुल। द परफॉर्मिंग मंकी, ये देखती थी कि कोई एक स्नेक चार्मर, मतलब एक जो आप कहते हैं सपेरा, कहीं पर सपेरा जो है वो सांप को नचा रहा है, कोई कहीं पर बंदर मदारी है जो बंदर को नचा रहा है, तो ये सारे उनके मंकी के, स्नेक के सब गेम्स देखती हुई आती थी। कैप्टन बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो क्या करते थे, जो सपेरे थे वो सांप को उस टोकरी में रखते थे और टाइम टू टाइम वो लोगों को उसको दिखाते थे, पैसा लेकर दिखाते थे। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉन ऑन हिज बाइक फॉर 3 डेज एंड हु कैप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, मतलब एक साइक्लिस्ट था जो तमाशा दिखाता था और वो पूरे पूरे दिन वो साइकिल ही चलाता रहता था, वो भी विदाउट ब्रेक, तो इस तरह के करतब दिखाते थे वहाँ लोग। द रूपी नोट्स दैट वर पिंड ऑन हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, मतलब स्पर हिम ऑन मतलब इनको इस पर, देखो बेसिकली जो हॉर्स है उसके लिए यूज़ करा जाता है, जो इस पर ऐसे करके होते हैं हॉर्स के चुबाए जाते हैं ताकि हॉर्स जल्दी तेज चल सके, तो उसके जो शर्ट पर रुपए लगा दिए जाते थे ताकि इसको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल सके। इस पर का मतलब एनकरेज करना, कि इसे और ज़्यादा इनकरेज मिलता रहे और ये ऐसे ही चक्कर पे चक्कर लगाता रहे, वो भी विदाउट ब्रेक, जो साइक्लिस्ट था, तो उसे पैसे मिलते थे तो उससे वो और ज़्यादा इंसाइट हो जाता था, और ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाता था ऐसे ही चलने के लिए, प्रोवोक हो जाता था, है ना, घूमने के लिए, करतब दिखाने के लिए। द मारियाता टेम्पल, अब वहां पर एक टेम्पल था, ठीक है, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और एक बहुत बड़ी बेल थी जो वहां पर टंगी हुई थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो पोंगल ऑफरिंग्स मतलब पोंगल का जो प्रसाद था वो वहां पर उस टेम्पल के सामने बनाया जाता था। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, बाय द स्टैचू ऑफ गांधी मतलब गांधी जी के स्टैचू के बराबर में वो फिश वगैरह बेचते थे। द स्वीट स्टॉल, वहाँ पर स्वीट स्टॉल था, द स्टॉल फ्राइड स्नैक्स वहाँ पर होते थे। ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक के बाद एक शॉप वहाँ पर लगी हुई थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। द निक्कुरवन हंटर जिप्सी विद द वाइल्ड लेमूर इन केजेस, लेमूर मतलब वहाँ पर एक एनिमल होते थे जो केजेस में, और उनके पास एक हंटर होता था जिससे वो उनको उनके कर्तव्य दिखाया करते थे। सेलिंग नीडल्स क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, बड्स जो होती थी ना ईयरबड्स वो भी बेची जाती थी। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और वो उनको देखती 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 निहारती हुई मज़े लेती हुई चलती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, और हर चीज़ उनको अच्छी लगती थी तो वो उसको रुक कर ज़रूर देखती थी, मतलब स्टैंड स्टिल वहीं पर देख रुक कर और वो देखने लगती थी, निहारने लगती थी, तो इसलिए उनको वक्त लग जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितना चंचल मन है, एक छोटी सी चंचल सी बच्ची है जो मज़े लेती हुई चल रही है हर चीज़ के।
मतलब हर चीज़ को, हर चीज़ उसके लिए एंटरटेनिंग है और वो उसको देखती हुई चल रही है. एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर. और वो सारी चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि वो उसको देख कर खड़ी होकर निहारती थी, और वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि वो विवश हो जाती थी आगे ना मूव होने पर. अब देखिए, चंचल मन है बच्चे का. At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and it is harangue us through their mics. और वहाँ पर वो देखती थी कि जो पॉलिटिशियंस थे वो कई बार क्या होते थे कि माइक लेकर खड़े हो जाते थे और वहाँ पर कुछ ना कुछ वो सुनाने, स्पीच देने लग जाते थे, तो ये उसको भी सुनते सुनते निकलती थी. Then there might be a street play. और वहाँ पर एक स्ट्रीट प्ले हुआ करता था. पपट शो, पपट शो मतलब आपने देखा होगा कई बार कठपुतलियों का जो डांस है वो दिखाया जाता था, और ये शो बहुत ही अच्छा लगता है सबको. और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और एक परफॉर्मेंस जिसमें मिरेकल और मैजिक हुआ करता था. पपट शो को मतलब ऐसा ही वो बोला जाता था, वो एक मैजिक नहीं है लेकिन एक कला है लोगों की जो वो दिखाया करते थे. वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. मतलब हर बार कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ होता ज़रूर था. तो ये सबको देख कर वहाँ पर स्टक हो जाती थी और चीज़ों को देखती थी. Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in the other hand, or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. Clear? All the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would tatter my legs and stop me from going home. मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए उनकी जो legs थी वो बहुत रुक जाया करती थी, और ये सारी चीज़ें उनको अपनी तरफ attract कर लिया करती थी. मतलब ये दिखा रही हैं कि ये सारी चीज़ें ना मुझे विवश कर देती थी आगे ना चलने पर, और मुझे कहती थी कि नहीं रुको और मुझे देखो. All these sights taken together would मैंगो, शुगर केन, स्वीट पटैटो, पाम शूट्स, मतलब तरह तरह की चीज़ें थी जो वहाँ पर मिलती थी. अकॉर्डिंग टू सीजन एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स. पायसम, पायसम वहाँ का एक फूड होता है एक तरह का, तो वो वहाँ पर बिकता था. इट इज़ अ काइंड ऑफ सूप, हलवा, बॉयल्ड टामरिंड सीड्स एंड टामरिंड जो इमली होती थी ना वो बिकती थी वहाँ पर, एंड आइस्ड लॉलीज. गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर एंड द अपोजिट कॉर्नर एंड एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. तो एक वहाँ पर एक कोई आदमी था वो बैठा हुआ देख रहा था, तो वहाँ पर था तो ये भी चुपचाप वहाँ खड़ी हुई देखती रही. आर पीपल वर हार्ड एट वर्क. अब ये देखती हैं कि जब दूसरी साइड पर जो एक बड़ी बेकार सी रोड थी ये उसको निहारती हैं और देखती हैं कि वो बड़ी बेकार सी उबड़ खाबड़ सी रोड है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं बड़े मतलब कोई अजीब अजीब से कपड़े, कोई गंदे संदे से कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं. आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे, मेहनत किया करते थे. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ. द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडेंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन. जस्ट देन एन एल्डर और ओल्ड स्ट्रीट. अब वो वहाँ पर इस चीज़ को खड़ी हुई देख रही होती है, तभी एक एल्डर मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. उस डायरेक्शन में मतलब जहाँ पर देखो जहाँ इनका घर था उधर की साइड से, मतलब जहाँ ये रहती थी उस स्ट्रीट की साइड से एक आदमी आता है बाजार की साइड को. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट येस. तो जिस तरह से वो देख रही थी मतलब जिस तरह से वो आदमी उस बाजार की तरफ आ रहा था, जिस तरह से वो चल रहा था, ये उनको बड़ा हक्का बक्का सा कर देता है, परेशान से मतलब इतना शॉक कर देता है. किस तरह से चल रहे हैं ये अंकल, ये तो हमारे घर की साइड ही रहते हैं ना, और ये किस तरह से चल रहे हैं. मेड मी वॉन्ट टू डबल अप. अब ये वहीं पर खड़ी हो गई और उसको चीज़ को देखने लगी कि ये क्या हो रहा है. वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन. इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये ऐसे सीधा हाथ करके और वो भी स्ट्रिंग के थ्रू उस थैले को पकड़े हुए, मतलब थैला बिल्कुल भी उन्होंने टच नहीं करना, स्ट्रिंग इसमें भी एक स्ट्रिंग पड़ी हुई और स्ट्रिंग के सहारे इसको पकड़े हुए, वो भी हाथ में स्ट्रिंग और उसमें भी नीचे थैला लटका हुआ, और ऐसे करके ले जा रहे हैं और चल रहे हैं बहुत धीरे धीरे कि कहीं उनसे टच ना हो जाए. तो इसे देखकर ये बड़े हंसती हैं,
ये क्या हो रहा भाई, ये तो बिल्कुल हंसी वाली बात है, ये कैसे चल रहे हैं अंकल जी, है ना, ये तो बड़ी अजीब स्टाइल में चल रहे हैं, अरे इसे धीरे धीरे ऐसे करके लेकर चलो, ये पता नहीं क्यों ऐसे करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ उनको बड़ी अजीब सी लगती है और इनको हंसी वाली लगती है, जैसे कॉमेडी हो कोई। आई गेस्ट देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई वड़ई और ग्रीन बनना भाजी इन दिस पैकेट, और उन्हें पैकेट में ऐसा लगा कि ये कुछ ना कुछ खाने की चीज़ है, और क्या खाने की चीज़ है जो इसमें लिखी हुई है कि इनमें से कुछ खाने का है इसमें, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था उस पर तेल लगा हुआ था, तो उससे ये इनको ऐसा लगा कि ये इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, वो उस स्ट्रिंग से ही उसको पैकेट पकड़े हुए थे और उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इट होल्ड्स मी लाइक That won't the package come undone and the worries fall out? वो कहती है कहीं ऐसा ना हो कि पैकेट गिर जाए और इनके जितने भी वड़े हैं उसमें वो सब कुछ गिर जाए, है ना, तो ये वहाँ पर देख ले रखते हैं। Went up straight to the landlord, और ये जो जिस गली में वो आदमी घुसा ये उस गली के बाहर खड़े हुए उसको देखने लगी, आदमी को इन्होंने फॉलो किया था वहीं गली के बाहर खड़े हुए देखती रही। Extended the packet towards him, cupping the hand and held their string with other hand. तो इन्होंने कहा कि उन्होंने इसने वो पैकेट इन आदमी ने वो पैकेट उस इंसान को ऐसे करके पकड़ा दिया और उसके आगे झुका भी, उसको नमस्ते भी किया, और वो देखिए खुद एक ओल्ड मैन है और एक यूथ को उसके आगे झुक भी रहा है, उसको इस तरह से पकड़ा रहा है कि कहीं इसके हाथ से वो पैकेट टच ना हो जाए, इस तरह से वो उसको दे रहा है और आदमी उसमें से खाना निकाल कर खाने लगता है। ये क्या तरीका हुआ भाई, ये बूढ़ा व्यक्ति है वो छोटे हैं, हमको तो ये सिखाया जाता है कि जो छोटे व्यक्ति हैं वो बड़े लोगों को नमस्ते करते हैं, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, और ये किस तरह से किस अंदाज में ये खाना दे रहा है, तो ये इनके लिए सब बड़ा अजीब था, है ना, बड़ा चौंकाने वाला था कि यार ये क्या माजरा है। अब ये जाती हैं अपने घर पे जाती हैं जाकर पूछती हैं अपने भैया से। लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगन टू ईट वदाइस, आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट एट लास्ट आई वेंट होम, अब वो क्या हुआ ये सब देखने के बाद अपने घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, उनके एल्डर ब्रदर वहाँ पर थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, आई फेल अबाउट विद लाफ्टर, ये कह रही है कि मैं तो बहुत ज़्यादा हंसने लगी, ये सारी स्टोरी बिल्कुल मैंने मज़े वाले अंदाज में कॉमिक वाले स्टाइल में उनको सुनाई हंसते हंसते, और मुझे बड़ी हंसी आई इस स्टोरी को सुनाने के बाद। मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एल्डर एट दैट मच मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, क्योंकि जिस तरह के ये चलने का अंदाजा था तो इनको हंसी आ रही थी, यार ये क्या हो रहा है ना, तो इनको हंसी वाली बात वो लग रही है। बट अनान मतलब जो उनके बड़े भाई हैं, वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन उसको ये चीज़ चौंकाने वाली नहीं लगी, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि अनटचेबिलिटी की वजह से हुआ और ये आम बात है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। The man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. तो उन्होंने कहा कि ये जो वो कर रहा था वो कोई हंसने वाली बात नहीं है, बल्कि उसने इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो बड़ा समझते हैं, जो अमीर हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम जैसे जो छोटे जो लोग हैं वो अनटचेबल्स हैं, और अगर मान लीजिए वो हम उनके खाने को या किसी चीज़ को छू लेंगे, हाथ लगा देंगे, तो वो सारे पॉल्यूट हो जाएंगे, है ना, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब प्रदूषित हो जाएंगे या गंदे हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, है ना, तो वो ऐसा सोचते हैं, इसलिए उसने स्ट्रिंग से उसको कैरी किया हुआ था। जब मैंने ये बात सुनी, मतलब जब उस छोटी सी बच्ची ने ये बात सुनी, आई डिडेंट वॉज वॉन्ट टू लाफ, तब उनका चेहरा एकदम उतर गया और उन्होंने अब हंसना छोड़ दिया और वो अब हंसना भी नहीं चाहती थी। आई फेल टेरिबली सैड, जबकि वो एकदम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुखी हो गई कि यार ये क्या है, ये कैसी कुरीति है, हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हैड दैट पैकेज इन हैंड्स, इवन दो द विदाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन द बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन द पेपर। तो उन्होंने कहा ये कैसी अजीब सी बात है, कोई पूछे अगर उसने पैकेट पकड़ा हुआ भी है तो विदाई तो ऑलरेडी एक पहले बनाना लीफ में पैक हुई होंगी, फिर उसमें डाली गई होंगी, उसके बाद ही तो पैकेट में होंगी, तो कौन सा उसका व्यक्ति का हाथ लगने वाला था, अगर वो पैकेट को हाथ भी लगा लेता तो विदाई पे थोड़ी ना हाथ लग जाता, तो ये तो बड़ी अजीब सी सोच है लोगों की, है तो है भैया। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, और वो इतनी ज़्यादा मतलब अंदर गुस्से से भर गई और ऐसा हो गया कि जैसे अभी जाकर वो मुंह तोड़ जवाब देंगी किसी को। आई वॉन्टेड टू टच दोज रैश्ड विदाईज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, और उनके अंदर एकदम ऐसा आक्रोश आ गया कि मैं जाऊँ और मैं ही छू लूँ अभी विदाई को, देखती फिर खाता है नहीं खाता है। तो इस तरह का आक्रोश, इस तरह की जो इमोशंस हैं, ओब्वियसली किसी के भी अंदर जाएंगी और वो उनके अंदर भी आ गई, इस तरह के भाव, जैसा कि अभी आपके मन में भी वो भाव उत्पन्न हो गया होगा। Why should we have to fetch and carry these people? I wondered. Such an important elders of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking
क्यों वो इस तरह से, पहले तो दुकान से सामान लाए, खुद ही जाकर लिया इससे तो, और हम तो दुकान से सामान, जो ओल्ड मैन है वो दुकान से सामान भी लेकर जाए, उनको इस तरह से दे और उनके आगे झुके भी, ये तो गलत है। नाउ फेलो जस्ट हु जस्ट सिट्स देयर इन स्टफ्स, और वो आदमी बढ़िया है जो वहाँ पर बैठा हुआ सिर्फ खा रहा है, ये तो गलत बात है भैया। तो गलत लगा उनको ये सब, है भी गलत। खैर द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, इन्फ्यूरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा दिला दिया है सब ने। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? अगर उन्होंने 4 पैसे कमा भी लिए हैं तो क्या इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा सही हो गए, वो जो कहेंगे वो सही है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे कैसे सोच लेंगे भाई वो? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी इंसान हैं। Our people should never run these petty errands for these fellows. We should work in their fields, take home our wages and leave it at that. My elder brother who was studying at a university had come home for holidays. वो कह रही है कि उनके जो भाई हैं वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कुछ दिन के लिए घर से आए हुए हैं। अब देखो मैं बता दूं कि इनके भाई के साथ भी एक बार ऐसे ही हादसा हुआ था कि दो आदमी हैं, अभी थोड़े दिन पहले वो बताता है कि थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं लाइब्रेरी में निकलता हूँ और दो आदमी मेरे पीछे पीछे आते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। जब नाम से उनको मेरी कास्ट का अंदाज़ा नहीं होता तो वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम रहते कहाँ हो, और जैसे ही मैं अपनी गली के बारे में बताता हूँ तो वो क्या होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाकर चले जाते हैं। मतलब वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, एक अनटचेबल है, मतलब एक लोअर कास्ट है, नॉट अनटचेबल, आई शुड नॉट से दैट वर्ड, तो वो समझते हैं कि एक लोअर कास्ट का व्यक्ति है और वो उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाकर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी ताड़िता उन्होंने उसमें बताई, ठीक है। तो अप्पा योर नेम, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा स्मॉल में बता दिया। एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, इसलिए हमको ना तो कोई डिग्निटी का ना कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे और उन्नति करेंगे तो शायद हमें भी डिग्निटीज मिलनी पड़ेंगी। तो हम इस डिग्निटीज़ को, इन डिग्निटीज़ को हम हमेशा के लिए थ्रो, मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो उन्होंने अपने बहन को फिर वो एडवाइस करते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो और जितना भी याद रख सकते हो, जितनी भी चीज़ों को समझ सकते हो, याद रख सकते हो, उसको रखो ताकि हम इन कुरीतियों को दूर फेंक दें, दूर हटा दें। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, वर्क हार्ड एंड लर्न। तो ये उन्होंने उनको मोटिव एक दिया कि तुम पढ़ो, मेहनत करो, ताकि ये जितने भी लोग हैं ना एक दिन तुम्हारे आगे झुकें। बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, इंस्पायरिंग भी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है कि लोग पता नहीं क्यों अनटचेबिलिटी को इतना महत्व देते थे, और इवन टुडे आज भी कई लोग हैं जो इसको महत्व देते हैं, जो कि गलत है। तो वी शुड नॉट डू लाइक दिस, वी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। द वर्ड्स ऑफ अन्ना स्पोक मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और ये जो वर्ड्स थे उनके, उन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी अपने ऊपर। स्टडी हार्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की, और एज अन्ना हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और इसलिए वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके दोस्त बन गए, उनके मित्र बन गए, क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आई थी। तो सिर्फ एक एजुकेशन ही है जो इस तरह की कुरीतियों को रिप्लेस कर सकती है। इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि जितने भी हमारी समाज में अभी भी कुरीतियाँ बची हुई हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से, आप एजुकेशन से ही दूर कर सकते हैं। तो वेल, लर्न वेल, वर्क हार्ड एंड मेक द चेंज। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो अब हमारी स्टोरीज फिनिश होती हैं। तो आई होप रिजवी जी, रश्मि जी, सुष्मिता जी, रितु जी, आपने स्टोरीज को सुना होगा, पसंद किया होगा। कैसी थी स्टोरीज? हाउ वॉज द सेकेंड वन, बताओ भाई, हाउ वॉज द सेकेंड वन? चलिए तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट स्टोरीज के साथ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो यहाँ से स्टोरी को करना शुरू करते हैं।
यस रिजवी जी, चलिए अब स्टोरी बताइएगा, मतलब आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि क्या क्या आंसर होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। एक मिनट रुकिएगा। Bama's brother told her that if she wanted to make progress, she had to learn to cook, study, she learned to stitch a net or learn to drive. बताओ भाई जल्दी से क्या करना होगा उसे। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अगर बामा की बहन को वो बताते हैं, बामा को बताते हैं, सॉरी बामा अपनी बामा की बामा को उसके भाई बताते हैं कि अगर तुम चेंज लाना चाहते हो समाज में तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, तभी ना आप एक चेंज ला पाओगे। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड रिस्वी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामा वॉज वेरी रिबेलियस एंड थॉट ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट इन्फ्यूरेटेड हर, प्रोवोक्ड हर टू स्लैप समवन, मेड हर अब्यूजिव या मेड हर वॉन्ट टू मर्डर समवन। ये सारी जो कुरीति चल रही थी वो उनके दिमाग पर किस तरह का असर डालती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इसलिए वो क्या करती हैं, उनको गुस्सा भर देती हैं, उनके अंदर क्या भर देती हैं, गुस्सा भर देती हैं, उनको अंदर से एकदम गुस्से वाला बना देती हैं कि मतलब कितना गुस्सा उनको इन पर आ जाता है। बामाज एल्डर ब्रदर वॉज स्टडिंग एट, बामा का जो एल्डर ब्रदर है वो कहाँ पर पढ़ रहा था? तो वो पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ही वॉज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। She had thought that the man carrying the bag was only making a game out of carrying the parcel, trying to make her laugh, obeying elders, not touching it because it was hot. क्या उनके माइंड में था कि वो जो आदमी है वो उस पैकेट को क्यों नहीं पकड़े हुए है? बताओ भाई रिजवी जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो एक गेम बना रहा हो उसे ना पकड़ के, है ना, तो एक गेम खेल रहा है वो उसके साथ, है ना, इसलिए उसको पकड़ नहीं रहा वो। तो गर्म वाली बात तो उन्होंने सोची नहीं थी अपने माइंड में। द मैन वॉज कैरिंग, जो मैन था वो क्या कैरी कर रखा था उसने? पकौड़े, समोसे, जलेबी या वदई और ग्रीन बनाना भाजी? तो उन्होंने पकड़ी हुई थी वदई और ग्रीन बनाना भाजी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। One day the author was attracted by the sight of. अब ये एक दिन जो author है ये किससे attract हो जाती है, किस sight से attract होती है? Two riders on a horse, a monkey performing tricks, cattle trading out of the grain from the straw, या dogs fighting with cats. बताओ भाई रिजवी जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? Yes रिजवी जी, रश्मि जी, सुष्मिता जी, रितु जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। Yes, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल ट्रेडिंग आउट ऑफ द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन द स्कूल, इन द चर्च, इन द बाजार या इन द हाउस। वो उनके लिए एंटरटेनिंग कौन सी जगह थी? बाजार थी, तो सी इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामा यूज्ड टू डॉडल अलोंग फ्रॉम द स्कूल बिकॉज शी वॉज टू स्लो, क्रिपल्ड, डिस्ट्रैक्टेड बाई लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन द वे या अनेबल टू वेट फॉर द स्कूल बस। वो क्यों ऐसे डॉडल इधर उधर टहलती हुई क्यों आती थी? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाती थी मार्केट में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The author Bama felt she already had experienced the humiliation due to dark skin, short height, poverty, untouchability. किसकी वजह से? अनटचेबिलिटी की वजह से, तो डी इज द करेक्ट आंसर। The author was being stared at by people and she felt she now अब जो author है मतलब ये दूसरी वाली story है वो उसको घूरा जा रहा था तो उसको क्या लगता है? Looked pretty, looked terrible, had suffered extreme indignities या looked like a model। क्यों लग रहा था ऐसा कि वो सारे के सारे मुझे घूर रहे हैं, क्यों लग रहा था ऐसा, मतलब उसको कैसा फील करा रहे थे वो उनका घूरना, क्योंकि उसने सफ़र करी थी काफ़ी सारी इनडिग्निटीज, मतलब बहुत सारी उसकी एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन उसको ऑलरेडी मिल चुका था।
Now we have to submit because they are strong. These words are said by. ये शब्द किसने कहे थे? जिटकला सा ने, जुडवीन ने, मेरियान ने या क्रिस्टीन ने? तो ये उसकी फ्रेंड जो जुडवीन है, जो जिटकला की फ्रेंड है, उन्होंने ये बात कही थी कि हमको उनके आगे झुकना ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं. शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब वॉज वॉर्न ओनली बाय मोर्नर्स, ओल्ड पीपल, यंग किड्स, एल्डरली वुमन. जो शॉर्ट हेयर थे वो किन के द्वारा पहने जाते थे? मोर्नर्स के द्वारा. ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हेयर किसके होते थे? सिर्फ और सिर्फ उनके जो कि दुख में हैं, जो रो रहे हैं, जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, सिर्फ उसी के शॉर्ट हेयर होते थे. वाइल अदर्स एट द ऑथर. अब जब सब जने खाना शुरू जिन्होंने कर दिया था, तो ऑथर क्या कर रही थी उस वक्त? ऑथर उस वक्त रो रही थी क्योंकि उनको एम्बेरेस्ड फील हो रहा था. तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस, Everyone kept standing except. सब जने खड़े रहे सिवाय सिवाय किसके? ऑथर के. ऑथर क्योंकि एकदम बैठ गई थी और बाकी सारे लोग खड़े रहे. ठीक है, नेक्स्ट. As the bell rang, the whole group of pupils, जैसे ही घंटी बजती है तो सारे के सारे लोग क्या करने लगते हैं? Sat on the floor, drew a chair from the under table, sat on the stools, knelt down the ground. वो सारे के सारे एक एक चेयर को निकालते हैं बाहर टेबल के नीचे से. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वहाँ के रूल्स अलग थे कि एक बेल पे उनको चेयर निकालनी थी, दूसरी बेल पे बैठना था, तीसरी बेल पे खाना शुरू कर देना था. तो बेल के अकॉर्डिंग सारे काम होते थे. द इंडियन गर्ल्स वूल. इंडियन गर्ल्स ने क्या पहना हुआ था? क्लिंजिंग ड्रेसेस, नाइट गाउन्स, ट्राउजर्स या स्कर्ट्स. उन्होंने पहनी हुई थी क्लिंजिंग ड्रेसेस. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लिंजिंग वाली बड़ी एम्बेरेसिंग सी ड्रेसेस उन्होंने पहनी हुई थी, टाइट टाइट सी. जिटकला वॉज बी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय अ वुमन हु हैड पेल फेस, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, एंग्री लुक. जो कैसी थी? पेल फेस्ड थी. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, रामा वॉज अ बंगाली राइटर. अच्छा, ये रामा नहीं है, ये बामा है. दिस इज बामा, नॉट रामा. बामा वॉज अ, अब बामा कौन सी थी? तमिल राइटर थी. तो एक तमिल दलित थी. ठीक है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. जिटकला सा वॉज अ विक्टिम ऑफ रेशियल प्रेजुडाइज, सीरियस क्राइम, रेप या कार एक्सीडेंट. तो ये एक रेशियल प्रेजुडाइज की विक्टिम थी. ए. द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड, अ फैबल, अ लेजेंड या अ प्ले. तो ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है, मतलब ये दोनों हमारे मेमोयर हैं, उन दोनों के मेमोयर हैं. मेमोयर मतलब जो आपकी ऑटोबायोग्राफी में से, मतलब आपकी लाइफ में अगर एक छोटा सा कुछ हैपनिंग हुई है और उसको आप अपने शब्दों में लिखो तो वो हो जाता है मेमोयर. ठीक है, तो ये क्या है? एक मेमोयर है, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है. फैबल उनके लिए यूज़ करा जाता है जो एक एनिमल्स की बात, एनिमल्स का हो, मतलब जिसमें एनिमल्स आपस में बात करें, वो फैबल होता है. लेजेंड होता है जब आप किसी एक लेजेंड, मतलब किसी पर्सनालिटी के बारे में, जैसे भगत सिंह जी हो गए, या किसी भी एक लेजेंड के बारे में अगर आप लिखते हैं कोई टेल, तो वो होता है लेजेंड. ठीक है, और प्ले, प्ले कोई भी एक नॉर्मल, चाहे वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, आपस में जब आप एक ड्रामा क्रिएट करते हो दैट इज कॉल्ड प्ले, जो कि आप परफॉर्म करते हो. यस, तो अभी हमने चैप्टर्स पढ़े जो एक जिटकला सा ने लिखा है और एक बामा ने लिखा है. तो यहाँ पर आपका पीजीटी का बेसिकली सिलेबस ओवर होता है. लेकिन अब मंडे से हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे. आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि अब मंडे को हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, सारे चैप्टर्स, सबके क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपको मंडे से मिलेंगे, प्लस ग्रामर के भी क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे. मतलब एज अ मॉक वो मैं प्रिपेयर करूँगी जिसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. तो जब तक के लिए क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एज मच एज पॉसिबल. और अगर पसंद आई हो तो मंडे को भी मुझे यहीं पर इसी वक्त मिलिएगा 4 बजे. जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक अ स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ. जय हिंद.